हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स, सभी पिताओं को प्रणाम, मेरे पिता को भी दिल से वंदन और नमन। आज के इस फादर्स डे पे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस पैंडेमिक में, कोविड के पैंडेमिक में कई बच्चों ने अपने पिता को गंवाया है, पर आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और पिता के लिए लिखी गई कवि ओम व्यास की एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है, वो मैं आपके साथ आज साझा करूंगी। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता धौंस से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी का सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दुए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो। पिता है तो जिंदगी में, परिवार में एक अनोखा हौसला है। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर्स।